एक डेविल जो यहाँ एक डेविल प्रचलित चीज है, अंडर के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रीट ऑफ पटना नहीं देखा होगा। हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल, दिस इज रिद्धि, वेलकमिंग यू ऑल टू ऑन चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडी। तो फिलहाल हमें पटना के पिलमुहानी चौक के पास और यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ और ये बोलो कि 40 साल पुराना एक हिडन जेम मिला है हमें। एक बिल्कुल दुकान का नाम क्या होगा भैया? गरीब जी का दुकान है ये, बहुत पुराना चालीस गरीब जी का दुकान। हाँ। और यहाँ पे प्रॉपर बोले कि दुकान का कोई नाम नहीं, बिल्कुल सेटअप छोटा सा एक कार्ड पे भैया का पूरा सेटअप रहता है। यहाँ पे मेन्यू जो है बहुत ही वास्ट है भाई, तो बस क्या क्या मिल जाता है भैया? बॉयल अंडा, आमलेट, पोंच, जो नॉर्मली अंडे दुकान पे मिलता है वो तो मिलता है। एडवांस में आपको बॉयल अंडा फ्राई मिलता है जो कि बटर में होता है, और भुजिया होता है स्पेशलिटी तरीके से बनाया जाता है, और फिर एक डेविल जो यहाँ एक डेविल प्रचलित चीज़ है जो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाने। एक डेविल के बारे में हमने नहीं कभी सुना है, ये चीज़ ये बला क्या है मतलब? ये बला है, डेविल एक अर्थ निकाला गया है अंडे का विशाल रूप देकर, ठीक है? okay. एक डेविल का अर्थ होता है कि विशाल, हाँ। और एक का मतलब हो गया अंडा, अंडा हाँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर बनाया गया एक डेविल कि अंडे का विशाल रूप, okay. इसको कहते हैं एक डेविल। वो अंडे और ब्रेड और आलू से बनाया जाता है, उसके बाद उसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है वो, जो कि हम चलते हैं इस बला से भी वाकिफ होंगे। फिलहाल टाइमिंग बता दीजिए, क्या टाइमिंग रहता है आपके शॉप का? टाइमिंग शाम में वही 5:30 से करीबन रात में 10:30 बजे तक। एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिएगा। फिर मुहानी कदम कुआं फ्रंट ऑफ देवीदयाल हाई स्कूल हो गया। थैंक यू सो मच भैया, हो गया नियर नियर बाई में। शुक्रिया भैया, फिलहाल हमारे लिए एक डेविल लगा दीजिएगा और फिर भाई उसका टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद बताते हैं। तो भाई जो बला की बात कर रहे थे वो ये है, ये एक डेविल का प्रिपरेशन है। तो आंटी कैसे बनाते हैं इसको? आलू से बनाते हैं। आलू में क्या क्या आप मिक्स किए हुए? कस्तूरी मेथी है, धनिया है, आदि है, मिर्चा है, उसका दिए डिम जाता है इसमें मसाला, जिसको अंडा बोलते हैं प्रॉपर, और ऊपर ब्रेड, ब्रेड को पानी में डिप करके उसको इसमें इसका जो आकार है उसको बड़ा करने के लिए ब्रेड से इसको पूरा एक लेयर कर देते हैं ब्रेड का। अंडे का विशाल रूप है इसीलिए इसे एक डेविल बोला जाता है। सिखा जाने के बाद इसके बाद इसको सर्व किया जाएगा, इसको पूछ लिया जाता है, इसे इसको लेकर इस पे डेविल को रखा जाएगा। सीक्रेट मसाला है ये जाएगा इसके ऊपर, लेमन लेमन जूस डाला जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक और आइटम है हमारा जो कि है हाफ ऑयल। भैया यहाँ पे देखो भैया फोन का फ्लैश क्यों यूज़ किया है? फोन का फ्लैश इसलिए अंडे को चेक करने के लिए किया जाता है कि अंडा सही है या गलत, वो सटा हुआ है या नहीं, ये इसे हाफ बॉयल के लिए डाला जाएगा। बत्तख अंडा इसको चेक कर, हाँ इसलिए चेक कर लेते हैं। एक तो पहला महंगा अंडा है, दूसरा फोड़ने के बाद अगर मान लीजिए किसी तरह से कोई प्रॉब्लम खराब हो जाती है तो बर्बाद हो जाएगा। तो पता कैसे करते हैं इसमें कि फोन के फ्लैश येलो वाला पार्ट एक जगह एकत्रित रहते हैं, वो नाश्ता चाहिए, घूमना चाहिए, राउंड अप होना चाहिए, तब पता चलता है मुझे कि ये अंडा सही है बॉयल हाफ बॉयल। इसके पीछे साइंस है? हाँ इसके पीछे साइंस है। तो बेसिकली पहले लाइट में चेक किया जाता था, अब लेकिन अब हाईटेक समय आ गया, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से फ्लैश निकलता उसको हमने यूज कर लिया फिर। तो ये हाफ ऑयल यहाँ पे मिलता है डक का, तो ये क्या पड़ता है इसका दाम? 20 रुपीज वन इंच। तो ये का स्टाइल देखना है, 20 रुपए पर बत्तख अंडा मिलता है। हाँ, इसको हाफ ऑयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधा कच्चा होता है। तो यहाँ पे हमारा बनने वाला है पूरी ऑमलेट, तो पहले अंडे को फोड़ लिया, अब इसमें डाला जाएगा ग्रीन चिली,
ओनियंस, जिंजर, कोरिएंडर लीव्स एंड साल्टेड। इसको मिक्स वेल किया जाएगा। मस्टर्ड ऑयल है ये जो सारा आइटम बनता है आपका, मस्टर्ड ऑयल ही बनता है सारे आइटम, मस्टर्ड ऑयल ही बनता है। आपको अगर बटर में बनवाए तो उसका अलग से देख के ये जाएगा। ब्रेड ऑमलेट आपने बहुत खाया होगा और यहाँ पे आलू पूड़ी ऑमलेट है भाई। इसके दाम क्या पड़ते हैं भैया? 30 रुपये। इस तरह से कवर कर दिया जाएगा। ये आ जाएगा हमारे, बीच से कट कर लेंगे स्लाइसेस में, पीसेस में कट हो गए। इस पर सलाद दिया जाएगा, फिर कोरिएंडर लीफ रहेंगे, उसके बाद मेरा सीक्रेट मसाला रहेगा इस पर, और लेमन जूस रहेगा। वो यहाँ पे अंडा फ्राई लगवा दें जो कि मस्टर्ड ऑयल बना दें भाई। दो अंडा लगवाया हमने आज, आगे मस्टर्ड ऑयल, और इसमें जाएंगे टमाटर, स्लाइस टमाटर क्या, इसको थोड़ा देर पकेगा और फ्राई होगा। सीक्रेट मसाला मेरा जाएगा। लाइट है वो, ये टमाटर हमारे गल गया है थोड़ा। इसका क्या दाम पड़ता है भैया? 25 रुपीज़। इसको अगर आप चाहो तो आप बटर में ही बनवा सकते हो। बटर वाले का क्या दाम पड़ता है? 4 अंडे का 80 रुपीज़ पड़ता है, 4 अंडा से कम नहीं बनता था। और यहाँ पे जो फ्राइड है, यहाँ पे खास बात ये भी है कि आलू पूड़ी भी यहाँ पे साथ में देते हैं। ये हमारा रेडी है भैया? अभी रेडी नहीं है, अभी और प्रोसेस बाकी है। हमारा अंडा है ऊपर, आप लोग देखो क्या क्या प्याज, ये कोरिएंडर लीफ, ये जिंजर, ये पर ग्रीन चिली है, जाएगा लास्ट में यही लगा। अब इसके साथ जाएंगे पूरी। तो ये देखो अभी आलू का पूरी है प्रॉपर, पहले अंदर से तल कर आ गया, उसके बाद इसे फ्राई किया जाएगा और इसे सेका गया। तो हमारा जो मसाला एग है, फ्राइड मसाला एग, उसके बाद आलू पूड़ी यहाँ पे जा रहा है उसके साथ ही। इसका दाम 25 रुपये? नहीं, 35 रुपीज़। मतलब पर पूरी 5 रुपये दाम पड़ता है। हाँ, पर पूरी 5 रुपये। ये आ गया इनका सीक्रेट मसाला और ये नींबू। तो भाई पूरा का पूरा प्लेटर सज चुका है भाई, मतलब बोलते हैं ना कि बारात आ गया और थाली लग गया हो, ऐसा कुछ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको बता दे पहले, ये आपका डक एग का हाफ बॉइल है जिसका दाम 20 रुपये है। यहाँ पे आपका डेविल एग का दाम 25 पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया है आलू पराठा ऑमलेट जिसका दाम 30 रुपये है। और ये फाइनली जो आपका है फ्राई एग जो है उसके साथ बटर में डाल के अगर आप लेते हो तो आपको 80 रुपये पड़ता है 4 अंडे का, और इसके साथ अगर पूड़ी लगवाते हो तो पर पीस 5 रुपये। मतलब ये जो हमने लगवाया है 2 अंडे और 2 पूड़ी, ये हमें पड़ा है 35 रुपीज़। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्लेटर है ये हमें पड़ा है कुछ 20, 25, 30 और 35, कितना हो गया, 65 और 20, 85 और 25, 110 रुपये का प्लेटर हमें पड़ा है प्रॉपर। बताना सही जोड़ा है कि नहीं मैंने। एनीवेज फिलहाल हम आपको ये दिखा दें, ये देखो पूरा का पूरा स्पॉन्ज लग रहा है, ये प्रॉपर है हाफ बॉइल्ड। मतलब जो अंडा है पूरा तरीके से उसको नहीं सजाते, और भैया का इवन जो तरीका ना चेक करने का बिल्कुल यूनिक है, आपको देखने को मिल गया होगा, वो मोबाइल के फ्लैश का यूज़ करके जो ये जो हाफ बॉइल है इसको चेक करते हैं कि कितना ये बॉइल हुआ है, टेस्ट करते हैं। तो उसके पहले इसको सॉफ्ट देखो, ये देखो एज ये कितना ज़्यादा जूसी है। इसका जो योल्क है प्रॉपर लिक्विड के फॉर्म में ही रह चुका है क्योंकि ये एज हाफ बॉइल्ड है। इसको बोलते हैं, इसको खाने का तरीका ये है कि प्रॉपर एक बार एक जो होल अंडा है, साबुत अंडा, उसके ऊपर इनका जो सीक्रेट मसाला वो डालो और खाओ। बट हम थोड़ा खाएंगे अब।
जस्ट लाइक अगर आपको पोच खाने से मन उब गया आपका, तो आप ये हाफ ऑयल जरूर ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं डेविल एग की तरफ, ये भला है भाई। नीचे से ब्रेड का क्रंच है, बीच में एक लेयर है आलू का जो चोखा है, और वापस अंडा का जो टेस्ट है। जब अंडा पकौड़ा खाते हो ना, उसमें थोड़ा सा क्रिस्प ऑयल जोड़ दो। इसे मैं एक आज एक नया नाम दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ जाइंट एग है ये, जैसे डेविल का दूसरा नाम ऑब्वियसली जाइंट हो सकता है। तो ये कुछ वैसा है, काफ़ी अलग है और यूनिक भी। ये देखो ब्रेड का जो लेयर है काफ़ी क्रिस्पी है भाई। मूव करेंगे आलू ऑमलेट जो है हमारा, आलू पूड़ी ऑमलेट। ये देखो आलू पूड़ी जिसको कि फ्राई करके डाला है भैया ने। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ये, बड़ा डेडली कॉम्बो यार, मतलब मैं सोच नहीं सकता वैसा, बहुत ही ज़्यादा स्वाद चीज़ है ये। आप ये सोच लो कि मैंने दो वाइट लिया, बहुत ही अलग और बहुत ही उम्दा। पहले इनका फ्राइड एग, तवा फ्राइड एग, साथ इनका आलू पूड़ी। इनका इसमें आपको स्टफिंग दिखाओ तो आलू के प्रॉपर, और यहाँ पे चोखा में कसूरी मेथी का यूज़ किया जाता है, तो आपको उसका भी एक फ्लेवर मिल जाएगा आलू के चोखा में। जब मैंने आपका यहाँ पे प्रॉपर आलू पर आलू पूड़ी ऑमलेट भी ट्राई किया था, उसमें कसूरी मेथी का काफ़ी एक अलग सा फ्लेवर आ रहा था। क्योंकि पूड़ी आ गई, और इनका मसाला तवा का एक इतना सब कुछ खाने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, पटना की गलियों में मैं ये बोल सकता हूँ कि सब कुछ के साथ एक्सपेरिमेंट आप तो बहुत देखा होगा, बट आपने अंडर के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्ट्रीट ऑफ पटना नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने तो पहली मरतबा देखा है भाई। प्राइस की बात कर जाए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, अगर आप एक रेस्टोरेंट भी हो तो काफ़ी अच्छे से अफोर्ड कर पाओगे। भाई उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से मुझे ये प्लेटर भाया है और आपके मुँह में पानी लाया है, तो बस इसी उम्मीद में कि आप यहाँ पे विजिट करने वाले हो। आपको एड्रेस एक बार बता दो, फिर मोहानी चौक से आप जैसे ही आगे आओगे देवी दयाल हाई स्कूल के जस्ट अपोजिट में एक कार्ड लगता है, गरीब जी की ये शॉप है और प्रॉपर 40 साल से एस्टैब्लिश्ड है, और इनकी जो रेसिपीज़ है आपके सामने है भाई। तो आ जाओ अगर आपके मुँह में पानी आया है तो, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। तो फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।